नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज हेल्पर में। दोस्तों आपसे बता दें, अरविंद अकेला कलू स्टेज शो प्रोग्राम के द्वारा यादव समाज के ऊपर इतना गंदा गाना गाएं कि यादव की बेटी सपनवा में आती है। तो दोस्तों खेसारी लाल यादव ने उनके लाइव वीडियो देखे तो उनको बहुत गुस्सा आया और दोस्तों लाइव में आकर मुँह तोड़ जवाब दिए। तो आइए दोस्तों खेसारी लाल यादव का लाइव वीडियो सुनाते हैं, सुनिए लाइव वीडियो में। लाइव देखा था, हम इतने भी सी नहीं है भाई कि वह भाई आके कह रहा है कि देखिए खेसारी जी की बेटी के बारे में आप कुछ बोलिएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुमको इतना ही चिंता मेरी बेटी के लिए है तो भाई तू उसको फोन करके डांट देता ना, दुनिया को लाइव में बताने की क्या जरूरत है। तुम मेरे शुभचिंतक हो, मैंने तुम बताना चाहते हो कि हाँ खेसारी जी हम बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हारे जैसे सी लोगों को मैं रखता हूँ बाबू, ये दिमाग में रखो। और तुम जो बोल रहे हो और जो घर अंदर की बातों को आप उजागर चीज़ें हुई दुनिया ने कि हाँ भाई ये चीज़ वो चीज़, एक और चीज़ बोलना नहीं चाहता, विवाद होगा। कोई आदमी फेसबुक पे एक दिन पहले डालता है कि अवतनी बनारस में तहर उपाय करे और अगले दिन बोलता है कि हम मिलने गए हैं, कोई बात नहीं। तो इतनी भी दुनिया चूतिया नहीं है और इतनी भी दुनिया बेवकूफ नहीं है कि आप कुछ भी कह जाओगे और कुछ भी कर दोगे और दुनिया को नहीं पता चलेगा। चलेगा आज मंच से किसी यादव जी की बेटी के, यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, किसी ने गाया, अब प्रतिक्रिया कहाँ गई आप सबकी? नहीं बोलेंगे ना आप, क्योंकि आप सबको तो खेसारी से मतलब है, आप लोगों को सिर्फ खेसारी से मतलब है, लेकिन हमें आप सबसे मतलब ही नहीं है, हमें अपने जनता से मतलब है, भगवान से मतलब है, मेरी भगवान मेरी जनता है। अब यादव जी खुद ही समझा देंगे आप सबको, जिनको लगता है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है तो समझाएंगे ना आपको। अब आप जाइएगा, आपको तो घूमना है, कार्यक्रम तो करना है ना, तो कितने सपना आपके, इतने गहरे सपने हैं जो आपके सपने में सारी चीज़ें आ रही हैं और यादव जी की बेटी ही सपने में आती है आपकी। और मैं